लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो तो ये गमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा, हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब भी दिया, बल्कि विपक्ष के सदस्य बीच में ही संसद छोड़कर चले गए। पीएम ने आगे कहा, सच तो यह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। पीएम ने आगे कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और नेगेटिविटी का भी जवाब दिया। हालात ये है कि विपक्ष के लोग बीच चर्चा में ही सदन छोड़कर भाग निकले। सच्चाई ये थी कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो गमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम आज ऐसे समय में मिल रहे हैं जब देश में विश्वास और आत्मविश्वास का एक उत्तम से उत्तम माहौल है। आप सबको पता है, अभी दो दिन पहले ही देश की संसद से 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नया विश्वास, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, देश पूरा संसद के साथ जुड़ा हुआ था। आपने देखा है कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए। साथियों, ये लोग सदन से भाग गए ये पूरे देश ने देखा है।